Well, आज की वीडियो में दिखाते हैं आपको यू पिक स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरी फॉर्म में स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हैं हम तो लेट्स गो लेट्स सी। तो आज हम आए हैं मम्मी दीदी के साथ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिक करने। ये हमारे फ्रेंड का एक्चुअली फार्म है स्ट्रॉबेरी फार्म, तो उनसे भी मिलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी कैसे पिक होगी और नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स गो। प्रोटोकॉल No eggy. तो ये सारा एक्चुअली फार्म है, यहाँ पे इन्होंने सारे पौधे वगैरह थाइम ऑर्गेनिक जो लगाए हुए हैं, थाइम जो भी हर्ब्स होती हैं हमारी ऑर्गेनो वगैरह 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 टमाटर लगे हुए हैं इधर शायद। ये हम करने आए हैं स्ट्रॉबेरी पैकिंग। तो ये अभी दिखाते हैं आपको स्ट्रॉबेरीज जो लगी हुई पिक करने आए। ये देखिए सारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्होंने शुरू की है और ये हम आज खाने आए हैं। आई गेस 10-12 एकड़ के करीब ज़मीन है ये सारी, पहाड़ों के बीचों बीच सुंदर घाटी के बीचों बीच आपको मिलेंगे बहुत शानदार स्ट्रॉबेरीज और बाकी पौधे। सो आइए एंजॉय कीजिए। पम्मी दीदी उठा रहे हैं, पम्मी दीदी करते हैं हम जूम थोड़ा सा। स्ट्रॉबेरी उठाते हुए इकबाल जी आ गए, ये देखो ये इकबाल जी आ गए, ये पम्मी दीदी और ये सिमरन चली आ रही है, ये हमारे बड़े जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसकी ट्रेनिंग चल रही है तो इसको ट्रेनिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही एक्साइटिंग है, इसके लिए नई जगह है तो इसकी ट्रेनिंग साथ साथ ये भी चल रही है। वो ये सिमरन आ रही है। सिमरन हाउ मेनी डिड यू पिक? इकबाल जी ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी बनाओगे आप मदर्स डे के लिए? ये देखा आज एक्चुअली हम आए हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे ना हिंदी से, एक्चुअली भाई इनको पता नहीं कि हिंदी चैनल पर रहता हूँ क्योंकि हम पंजाबी हैं। तो अच असं आए हैं एक्चुअली इतने फार्म के स्ट्रॉबेरी पिक करते, साढ़े मक्की जी का फार्म है। सो इनको हम पूछते हैं कि ये कैसे इस लाइन में आए और कितना बड़े आपका एरिया है, आप क्या क्या उगा रहे हो यहाँ पे और कैसे आप मतलब क्या इंस्पिरेशन आपको मिली? हाँ जी बिल्कुल जी, अब मैं हिंदी में कहूँ मैंने फार्म तो स्टार्ट किया लास्ट ईयर, उससे पहले मेरी बैकग्राउंड सारी एजुकेशन एग्रीकल्चर में है। मैंने एग्रीकल्चर में MSc बैचलर किया इंडिया से और यहाँ से आके PhD किया और ये मेरा साइड जॉब है, मेरी फुल टाइम जॉब, मैं किसी कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। सो हमने यहाँ पे अभी स्ट्रॉबेरीज हैं और पीछे रास्पबेरीज एंड ब्लैकबेरीज लगाई हुई हैं, ब्लूबेरीज हैं, वो नेक्स्ट ईयर इनका फ्रूट आएगा और फ्लावर्स भी लगा रहे हैं। बाकी सारी सब्जियां, गर्मियों की सब्जियां, टमाटर, बैंगन, भिंडी, कद्दू, शद्दू सब लगेंगे और शद्दू लगेंगे बता दीजिएगा। और हमने यू पिक शुरू किया, यू पिक में जो लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो आप बेरीज पिक करके लेके जाते हैं और सभी लोग बहुत आनंद मान रहे हैं।
और जितनी वो वैल्यू लेके जाते हैं उससे ज्यादा वो खा लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े। हाँ हमने डोंट ईट बेरीज वाला साइन बोल गए हम भी लगा मेरे जैसे गंदे पत्ते ऐसे खा रहे हैं क्योंकि बहुत ताजा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इंडियन कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है बिकॉज गिलरॉय में सैन होसे में हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में रहती है तो और उसके अलावा मैं इंडियन कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहूँगा क्योंकि अभी हमने देखा कि चाइनीज इंग्लिश और बाकी भी कम्युनिटी हमें यहाँ देखने को मिली सुबह सुबह। अभी तो हम लेट हो गए इस बार थोड़ा सुबह सुबह क्योंकि हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह तो इसके आते आते लेट हो गए। वैसे कितनी आपकी ये पूरा लैंड अगर मैं पूछ सकता हूँ टोटल 9 acres है हम लीज कर रहे हैं किसी और से क्योंकि लैंड इस एरिया में बहुत एक्सपेंसिव है बाय करना लैंड बहुत एक्सपेंसिव है सो हमने लीज की हुई है लैंड 9 acres तो 6 acres पे हम ग्रो कर रहे हैं और इस एरिया यहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा काइंड ऑफ फार्म स्टैंड है और हमने कुछ यहाँ पे चिकन भी रखे हुए हैं और पीछे हम सोच रहे हैं कुछ बकरियाँ और भेड़े रखने का प्लान है सो एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक लाइक जैसे इन्होंने बताया कि हम कुछ स्प्रे नहीं कर रहे हैं सो हम फार्म पे ग्रो हुए हैं इंडिया में और वो हम अपने खून से जाता नहीं है वो कहते हैं ना कि मतलब आप इंडिया से किसी को निकाल सकते हो लेकिन किसी के बीच में से इंडिया नहीं निकाल सकते। या सो फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ अस सो कल्चर और इट्स वेरी ब्यूटीफुल मतलब आप देख सकते हो कि आपको मैंने थोड़ा वीडियो में पहले भी दिखाया बाद में भी मैं दिखाऊंगा। और चिकन रखने का प्लान तो मेरा भी है मेम साहब रखना नहीं देते मेरा है कि वहाँ पे रख लो अंडे फ्री मिलेंगे लेकिन जो जैसे कहते हैं मेम साहब खुश तो जिंदगी खुश तो मदर्स डे पे हमारा ये प्लान था इस वीकेंड हमारा मदर्स डे है भैया आगे जान या इट्स अ बिग ट्रक यस ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा वैसे ऑथेंटिक सा मतलब फीलिंग आती है फार्म वाली हम इस एरिया को डेवलप करना चाहते हैं लाइक मोर पिकनिक एरिया सो पीपल कैन कम सिट हैंग आउट पिक बेरीज पिक अदर स्टफ सो वी रियली लाइक इट इट डजंट वर्क या बट इट्स ब्यूटीफुल बट हमने इसको ट्रैक्टर के पीछे डाल के वहां से बड़ी मुश्किल से जहाँ तक खींच के ट्रैक्टर से लेके आए इसीलिए पूरा अंदर बैठने का प्लेस और बेड भी लगा हुआ था हमने बेड वुड निकाल दिया हमने कुछ स्टोरेज के लिए यूज कर ट्रैक्टर हमने यही से खरीदा इट्स अ फनी स्टोरी कि हमने ट्रैक्टर जमीन से पहले लिया था ऑप्शन पे लगा था तो हमने कहा ट्रैक्टर ले लेते हैं देखते हैं फिर जमीन भी मिलती है तो लैंड भी लेना पड़ेगा कार का कवर ले लिया मैंने छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया उसके ऊपर मैं जरूर आपके बारे में जरूर बताऊंगा और एक तरह वही एज ए फैमिली एक एक्टिविटी हो जाती है और बच्चे भी जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं जमीन के साथ उसको पता कई लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रूट जो है उसकी ओरिजिनल मतलब वो कैसे मिलता है कहाँ आलू जमीन में उगते हैं ये नहीं पता कई लोगों को तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चैनल बच्चे या वो मैं देख रहा हूँ दो वीकेंड पे दोनों की ड्यूटी है दो दो घंटे हेल्प करना ये बहुत अच्छी बात है सो भैया सारी वीडिंग जो स्ट्रॉबेरी की हुई है ना दे डोंट लुक लाइक दैट जब आप ग्रो करते हो वीड्स बहुत हो जाते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक में मैंने और दोनों बेटियों ने और मेरे नेफ्यू ने सारी वीडिंग 3 times की हुई स्ट्रॉबेरी और ये हमने सारी स्ट्रॉबेरी कर ली है पैक और ये हमारे रेहान साहब भाई साहब अभी भी ट्रक के साथ जुड़े हुए हैं खेल रहे हैं उसके साथ
एंजॉय कर रहे हैं पूरा पूरा। और ये सारे हर्ब्स एक्चुअली पड़े हुए हैं, आप यहाँ खरीद सकते हो। अभी हम खरीद के जाएंगे और अपने वेजी गार्डन में लगाएंगे। ये चिकन मैंने कहा आपको दोबारा दिखा देते हैं, अंडे कोई मिले नहीं यहाँ पे, लेकिन चिकन पड़े हुए हैं। अगर मेम साहब मानेंगे तो हम भी एक दो चिकन रख लेंगे घर के पीछे बैक यार्ड में, और जब दिल करेगा तब खा भी लेंगे उनको, यू नेवर नो। वेल, ये था यूपिक डे हमारा मम्मी दीदी की फैमिली के साथ। विंडो थोड़ी बंद कर दें, गंद बहुत ज़्यादा है। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी दीदी के घर, उसके बाद आपको मिलेंगे भूख लगाने के बाद। भूख लगा लेंगे जाके पहले।